नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन फैकल्टी पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान का भाग पाँच पढ़ रहे हैं। भाग पाँच में हम लोग राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति में हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ रहे हैं। तो शक्तियों में हम लोगों ने कार्यपालिका शक्ति को पढ़ा है। जैसे कार्यपालिका शक्ति में राष्ट्रपति जो है कि प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति, नियंत्रक महालेखा की नियुक्ति, दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। कार्यपालिका शक्ति में हम लोगों ने पढ़ा था। अब विधायी शक्ति में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है कि राष्ट्रपति जो है कि अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 123 के तहत, सत्रावसान करते हैं, संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं और राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। वित्तीय शक्ति में देखा था हम लोगों ने कि राष्ट्रपति जो है धन विधेयक को मंजूरी देते हैं। दूसरी बात, वित्त आयोग का एक गठन करते हैं। ठीक दोस्तों, हम लोगों ने न्याय शक्ति में देखा था कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं और अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से ये सलाह मांग सकते हैं। कूटनीतिक शक्ति में देखा था हम लोगों ने तो उच्चायुक्त और राजदूतों की ये नियुक्ति करते हैं। सैन्य शक्ति में देखा था हम लोगों ने कि ये तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, युद्ध की घोषणा करते हैं, ठीक, युद्ध की समाप्ति की घोषणा करते हैं। ठीक दोस्तों, और हम लोगों ने आपातकालीन शक्तियों में देखा था तीन शक्तियां हैं, राष्ट्रपति शासन होता है, राष्ट्रीय आपातकाल होता है, वित्तीय आपातकाल होता है। दोस्तों, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, नहीं तो बहुत जल्दी भूल जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम आपको बताए हैं कि रिवीजन आप लोग करते रहिए, हम भी बीच बीच में ऐसे ही आप लोग को रिवीजन कराते रहेंगे। ठीक, आइए हम लोग आज बात करते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्ति पर। ठीक, भाग पाँच है, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। देखिए, वीटो शक्ति का मतलब कि अगर आप बात करेंगे वीटो शक्ति के बारे में तो हर व्यक्ति जो है कि वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। जैसे कोई मित्र आपके पास आया तो उसने कहा आपसे कि चलो हम लोग घूमने चलते हैं, तो अगर आपकी इच्छा होगी तो आप कहेंगे हाँ चलो चलते हैं घूमने। यदि आपकी इच्छा नहीं होगी तो आप उसको मना कर देंगे कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हमको पढ़ना है, चाहिए काम है, दूसरा काम है, कोई अगर बहाना बना देंगे। ठीक, यदि आपसे कहता फिर या आपके पास ये भी विकल्प होता है कि आप कुछ भी ना कहें, चुप रहे, यही होता है भैया वीटो। वीटो मतलब कोई वो नहीं है, मतलब वीटो हर व्यक्ति अपने लाइफ में प्रयोग करता है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति हम लोग नोट करते हैं। ठीक दोस्तों, व्यवहार में यही बात करते हैं हम लोग कि वीटो शक्ति का प्रयोग सभी लोग करते हैं, ऐसा हर व्यक्ति प्रयोग करता है। ठीक, हम लोग अब बात करते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, ठीक, देखिए हम लोगों का जो कानून बनाने की प्रणाली है तो उसमें हम लोग ने देखा था कि भारत में दो सदन होते हैं और एक राष्ट्रपति होता है। जब कोई भी विधेयक चाहे कोई भी कानून होता है तो जब ये तीनों लोग सहमत होते हैं तभी जाके कोई कानून बन पाता है, अन्यथा नहीं बनता है। ठीक ठीक दोस्तों, दो सदन का मतलब लोकसभा और राज्यसभा, और फिर तीसरे होते हैं कि राष्ट्रपति। इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि संसद के तीन सदस्य होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जब ये तीनों लोग सहमत होते हैं तब जाके कोई कानून बन पाता है। ठीक ठीक दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 यह कहता है कि राष्ट्रपति के पास जब कोई विधेयक जाता है तो उसके पास तीन विकल्प होते हैं। कौन कौन विकल्प होता है? वह जो है कि विधेयक को जो है कि सहमति देते या पारित कर दे तो वह विधेयक पारित हो जाता है। ठीक, अब फिर
यदि वो चाहे तो विधेयक पर कुछ भी ना बोले, उसको अपने पास रहने दे। इसको हम लोग पॉकेट वीटो कहते हैं। यदि बात करें हम लोग निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो में तीसरा हम लोग बात करते हैं, सॉरी दोस्तों, मतलब उसके पास तीन विकल्प होते, तीन विकल्प में दो विकल्प हम देखे हैं कि जिसे वह सहमति दे देता है तो कानून बन जाता है, नहीं तो अपने पास उसको सुरक्षित रहना देता है। तीसरा हम लोग देखे हैं कि वह जो है कि विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। जब कोई विधेयक पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जाता है तो उसी को निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। ठीक दोस्तों, ठीक, हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 क्या कहता है कि संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत होता है तो राष्ट्रपति के पास तीन विकल्प होते हैं। जैसे में पहला क्या है कि वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे देते हैं। वह विधेयक को दे देते हैं। ठीक, इसके अलावा हम लोग बात करें विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरा, ठीक दोस्तों, अनुच्छेद 111 यह कहता है कि संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति के सहमति के लिए जाता है तो राष्ट्रपति के पास तीन विकल्प होते हैं। पहला होता है वह विधेयक को स्वीकृति दे देते हैं, तो स्वीकृति दे देंगे तो वह कानून बन जाता है। विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकते हैं, यानी वो विधेयक को अपने पास पड़े रहने देते हैं, न उसको पुनर्विचार के लिए भेजते हैं, न उस पर हस्ताक्षर करते हैं। ठीक, ये दूसरा हो गया। तीसरा होता है दोस्तों, आपका विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। ठीक दोस्तों, तीन के पास तीन विकल्प होते हैं। तीसरा विकल्प होता है विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। लेकिन दोस्तों, नोट करने वाली बात है कि यदि वही विधेयक पुनः जो है कि
पुनः जो है कि दोबारा राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति जो है कि उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होते हैं, या तो वह परिवर्तित रहता है या तो उसी फार्म में रहता है, तो उसी उसको जो है कि राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य होते हैं। ठीक दोस्तों, यदि संसद जो है पुनः वापस भेज देती है तो राष्ट्रपति सहमति देने के लिए ठीक दोस्तों, यहाँ सहमति का मतलब होता है हस्ताक्षर। ठीक, यदि संसद जो है कि पुनः उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास या तो संशोधन करके या तो बिना संशोधन द्वारा दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजता है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होते हैं। अपवाद की बात करें हम लोग तो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति जो है कि पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेजते हैं, उस पर जो है कि राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना एकदम अनिवार्य होता है। ठीक दोस्तों, आइए अब हम लोग अब बात करते हैं वीटो शक्ति की। देखिए, वीटो अगर बात करें हम लोग तो पूरे दुनिया में वीटो चार प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोगों के राष्ट्रपति के पास तीन वीटो होते हैं। ठीक, चार वीटो की हम लोग बात करें तो पहला आता होता है आपका अत्यांतिक वीटो, दूसरा होता है विशेषित वीटो, और तीसरा होता है निलंबनकारी वीटो, और चौथा होता है पॉकेट वीटो। ये चारों वीटो जो है राष्ट्रपति देने को मतलब इसके मुख्य दो कारण होते हैं। कौन कौन होते हैं कि संसद जो है कि जल्दीबाजी में कोई कानून न बना दे, ठीक, और दूसरा होता है कि कोई भी कानून असंवैधानिक न हो, यानी संविधान के खिलाफ न हो, न संविधान के मूल ढांचा के खिलाफ हो। इसलिए ये शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है कि राष्ट्रपति आप जो है कि इस पे आपको तीन विकल्प दिया गया है। ठीक दोस्तों, तो राष्ट्रपति के जो है कि जो तीन विकल्प होते हैं उसका यही मुख्य कारण होता है। आइए हम लोग अब बात करते हैं वीटो शक्ति के। दोस्तों, नोट करके आप लोग लिखिएगा, हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी विधेयक जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो उनके पास तीन विकल्प होते हैं, लेकिन यदि नोट करके आप लिखेंगे कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर जो है कि राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होते हैं। ठीक दोस्तों, अब हम लोग अब बात करते हैं वीटो की। देखिए, वीटो होते हैं चार प्रकार के, लेकिन भारत के राष्ट्रपति के पास तीन वीटो है। पहला है आपका अत्यांतिक वीटो, दूसरा है आपका निलंबनकारी वीटो, तीसरा होता है आपका पॉकेट वीटो। ठीक, भारत के राष्ट्रपति के पास यही तीनों वीटो है। एक होता है आपका विशेषित वीटो, विशेषित वीटो का जो है कि प्रयोग अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे जब तुलना करेंगे हम लोग भारत का संविधान और अमेरिका के संविधान की, तो वहाँ देखेंगे हम लोग का
इस समय पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रपति के पास कितनी वीटो शक्ति है उसको हम लोग आज अध्ययन करेंगे। ठीक, तो दोस्तों राष्ट्रपति के पास तीन वीटो शक्तियाँ होती है। पहला अत्यांतिक वीटो है, दूसरा है निलंबनकारी वीटो, तीसरा है पॉकेट वीटो। आइए हम लोग एक एक वीटो पे बात करते हैं। ठीक, अगर यदि बात करेंगे अत्यांतिक वीटो का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है सहमति देना या इनकार करना। ठीक, यदि इनकार कर देते हैं तो यह विधेयक जो है कि समाप्त हो जाता है। कुछ याद रहे चाहे न रहे दोस्तों, अत्यांतिक वीटो में यह याद रहना चाहिए आपको कि यह जो है कि सहमति दे या तो इनकार कर दें। अगर सहमति दे देते हैं तो कानून बन जाता है, और इनकार कर देते हैं तो ये विधेयक जो है कि समाप्त हो जाता है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं अत्यांतिक वीटो पे। इसका मतलब होता है सहमति देना या मना कर देना। ठीक दोस्तों, हम बात करें अत्यांतिक वीटो का, तो इसका संबंध राष्ट्रपति की उस शक्ति से होता है जिसमें वह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं। ठीक, तो अगर सुरक्षित रख लेते हैं तो इस प्रकार का विधेयक जो है कि समाप्त हो जाता है। ठीक, यदि बात करें हम लोग तो इस विधेयक का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो इस विधेयक का प्रयोग दो जगह होता है। जैसे कोई गैर सरकारी सदस्य कोई विधेयक लाता है, गैर सरकारी विधेयक का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो संसद का सदस्य तो है लेकिन मंत्री नहीं है, उसके द्वारा कोई विधेयक लाया जाता है, तो ऐसे विधेयक को हम लोग गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। ठीक, और दूसरी परिस्थितियाँ ये होती है कि जब जो है कि लोकसभा से कोई विधेयक पारित करके राष्ट्रपति के पास जाता है और उसी समय जो है लोकसभा भंग हो जाती है, तो उस विधेयक को राष्ट्रपति अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं। ठीक, तो इस प्रकार अत्यांतिक वीटो का दो जगह प्रयोग किया जाता है। ठीक दोस्तों, आइए नोट कर लेते हैं इसको। इसका संबंध अत्यांतिक वीटो में नोट करिएगा, इसका संबंध राष्ट्रपति की उस शक्ति से है जिसमें वह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार यह विधेयक जो है कि समाप्त हो जाता है। यह विधेयक ठीक अत्यांतिक वीटो का प्रयोग का मतलब होता है सहमति देना या मना कर देना। कोई ऐसा विधेयक है जो राष्ट्रपति के पास विधेयक को सहमति देने के लिए जाता है, तो
तो विधेयक को राष्ट्रपति जो कि अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं। ठीक, अगर सुरक्षित रख लेते हैं तो यह विधेयक जो है कि समाप्त हो जाता है। इसकी दो परिस्थितियां होती है। ठीक दोस्तों, तो इस वीटो का प्रयोग दो मामलों में किया जाता है। ठीक, इस विधेयक का प्रयोग सॉरी इस वीटो का प्रयोग दो दो परिस्थितियों में किया जाता है। ठीक, पहली परिस्थिति क्या है कि गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के संबंध में, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के संबंध में, ठीक दोस्तों, गैर सरकारी विधेयक या तो गैर सरकारी सदस्य उसे कहते हैं जो संसद का सदस्य तो होता है लेकिन मंत्री नहीं होता। ऐसे व्यक्ति द्वारा जो कोई विधेयक पेश किया जाता है तो उस पर जो है कि राष्ट्रपति सहमति देते हैं या तो मना कर देते हैं। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या है, सरकारी विधेयक सरकारी विधेयक उसे कहते हैं जो मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे विधेयक को सरकारी विधेयक कहा जाता है। सरकारी विधेयक के संबंध में जब मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे दे त्याग पत्र दे दे त्याग पत्र दे दे जब विधेयक पारित हो गया हो तथा जब विधेयक पारित हो गया हो पारित हो गया हो तथा राष्ट्रपति की अनुमति मिलना शेष रहे, ठीक, या तो दूसरी कंडीशन या तो नया मंत्रिमंडल जो है कि या तो दोस्तों सरकारी विधेयक के संबंध में जब मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे दे तथा जब विधेयक पारित हो गया हो तथा राष्ट्रपति की अनुमति मिलना शेष हो, यदि मंत्रिमंडल अगर भंग हो जाता है, ठीक, तो ऐसे विधेयक पे जो है कि आत्यंतिक वीटो लगाया जा सकता है। या तो नया मंत्रिमंडल जो गठन होता है, ठीक दोस्तों, तो इसके अलावा एक कंडीशन और होती है कि मान लेते हैं कि नया मंत्रिमंडल गठन हो जाता है और राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक पर अपनी सहमति देने को सहमति न देने की सलाह दे दे तो ऐसे विधेयकों पर आत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया जाता है। ठीक, नोट करते हैं कि नया मंत्रिमंडल
नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक पर अपनी सहमति न देने का सलाह दे। ठीक दोस्तों, देखिए पहली बात की अत्यांतिक वीटो का मतलब होता है सहमति देना या मना कर देना। ठीक, इस वीटो का प्रयोग दो परिस्थितियों में किया जाता है। पहली बात कि कोई गैर सरकारी विधेयक हो, गैर सरकारी विधेयक का मतलब ये होता है कि जो भी व्यक्ति संसद सदस्य तो है लेकिन मंत्री नहीं है, उसके द्वारा अगर कोई विधेयक पेश किया जाता है तो उस पर अत्यांतिक वीटो लगाया जा सकता है। दूसरी बात, सरकारी विधेयक के संबंध में जब कोई मंत्रिमंडल जो है कोई विधेयक पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजती है और राष्ट्र उसी दौरान जो है कि मंत्रिमंडल जो है कि त्याग पत्र दे देता है। ठीक, या तो राष्ट्र जो है कि विधेयक पारित हो गया हो लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति मिलना शेष हो गया हो और मंत्रिमंडल जो है कि त्याग पत्र दे दे। ठीक, तो ऐसे विधेयक पे जो है कि अत्यांतिक वीटो लगता है। या तो जो राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक पड़ा है, नया मंत्रिमंडल का गठन होता है, राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक पर अपनी सहमति न देने की सलाह देता है, तो इस तरह से अत्यांतिक वीटो का प्रयोग किया जाता है। ठीक, यदि उदाहरण की बात करें हम लोग, 1951 में राष्ट्रपति डॉक्टर वेंकट रमण द्वारा संसद सदस्यों को भत्ता और पेंशन विधेयक को रोककर रखा गया था। ठीक, इसका कारण यह था कि जब यह विधेयक पारित हुआ था तो उस समय जो है कि मंत्रिमंडल जो है कि भंग हो गई थी, तो इसलिए उसको जो है कि राष्ट्रपति ये न सहमति दिए न कुछ किए, अपने पास पड़े रहने दिए, तो वो जो है कि विधेयक दिए होगी समाप्त हो गया। ठीक, इसका उदाहरण के हम लोग बात करें एग्जाम्पल, तो 1991 में राष्ट्रपति डॉक्टर वेंकट रमण द्वारा संसद सदस्यों का भत्ता और पेंशन विधेयक को रोक रखा था। ठीक दोस्तों, जब ये विधेयक जो है कि डॉक्टर वेंकट रमण के पास गया था तो उस समय जो है कि वो सरकार गिर गई थी, तो वो जो है कि राष्ट्रपति के पास उसी तरह पड़ा रहा। जब नया मंत्रिमंडल जो है कि गठन हुआ तो उसको जो है कि ख़त्म करने का सलाह दिया, तो इस प्रकार यह जो है कि विधेयक समाप्त हो गया। ठीक दोस्तों, एक बार फिर हम आपको बता देते हैं अत्यांतिक वीटो क्या होता है। अत्यांतिक वीटो का मतलब होता है दोस्तों, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा सुन ले, क्यूरियस होकर सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक, देखिए अत्यांतिक वीटो का मतलब होता है सहमति देना या इनकार करना। ठीक, तो यदि किसी विधेयक पर वो सहमति नहीं देते हैं तो वो विधेयक जो है कि समाप्त हो जाता है। ठीक,
बात करते हैं तो इसका संबंध जो है राष्ट्रपति की उस शक्ति से है जिसमें वह संसद द्वारा किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं। ठीक, इस प्रकार यह विधेयक समाप्त हो जाता है। जब वह कुछ हाँ ना नहीं करेंगे तो वह विधेयक जो है कि धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ठीक, इसका प्रयोग दो जगह होता है, जब कोई गैर सरकारी विधेयक हो, ठीक, और दूसरा होता है सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक में यह होता है कि जिसे कोई विधेयक सरकार के द्वारा पारित किया गया हो और राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर करने के लिए गया हो, तो इस परिस्थिति में अगर सरकार गिर जाती है तो राष्ट्रपति के पास जो विधेयक पड़ा रहता है, कोई नई सरकार आती है तो राष्ट्रपति को जो है कि यह सलाह देती है कि आप उस पर जो है कि हस्ताक्षर न करें, न सहमति दे, तो इस प्रकार जो है कि वह विधेयक। तो ठीक है दोस्तों, तो जैसे जब कोई नई सरकार बन के आती है तो राष्ट्रपति को यह सलाह देती है कि आप जो है कि इस विधेयक पे सहमति न दें। ठीक, तो इस प्रकार जो है कि अत्यंतिक बीटों का प्रयोग किया जाता है। अत्यंतिक बीटों का प्रयोग डॉक्टर वेंकट रमण द्वारा किया गया था। यह विधेयक ऐसा विधेयक था जिसमें संसदों के भत्ता और पेंशन विधेयक था, तो इसको जो है कि राष्ट्रपति ने अपने पास सुरक्षित रखा और जो है कि आने वाली सरकार ने इसको जो है कि राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। तो इस प्रकार यह विधेयक समाप्त हो गया था। ठीक, ये रहा आपका अत्यंतिक वीटो। अब हम लोग बात करते हैं निलंबनकारी वीटो। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति हम लोग पढ़ रहे हैं। पहली वीटो हो गया, अब दूसरे वीटो की बात करते हैं हम लोग। तो दूसरा वीटो है आपका निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो का मतलब होता है विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजना। ठीक दोस्तों, निलंबनकारी निलंबनकारी वीटो इसका मतलब होता है विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजना। ठीक, जानते हैं इस वीटो का प्रयोग उस समय किया जाता है जब राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक जाता है तो विधेयक को जो है कि राष्ट्रपति पुनः जो है कि विचार करने के लिए दोबारा सरकार के पास भेजती है, तो इसको हम लोग निलंबनकारी वीटो कहते हैं। निलंबनकारी वीटो का मतलब होता है इसको पुनः विचार के लिए भेजना। निलंबनकारी वीटो में कुछ याद रहे चाहे ना रहे, ये इतना हमेशा याद रहना चाहिए कि निलंबनकारी वीटो का मतलब होता है कि पुनर्विचार के लिए वापस दोबारा भेजना। ठीक, पुनर्विचार के लिए वापस भेजना। ठीक दोस्तों, इसका मतलब होता है कि विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजना। निलंबनकारी वीटो का प्रयोग वहाँ होता है जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति जो है कि उस विधेयक को दोबारा विचार करने के लिए भेजते हैं, तो ऐसे विधेयक को हम लोग निलंबनकारी वीटो कहते हैं। ठीक, वापस भेजना। ठीक दोस्तों, लेकिन नोट करने वाली बात है कि संसद जो है कि पुनः विचार करके या उसी प्रकार फिर दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति उस पर जो है कि हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होते हैं। ठीक, हालांकि संसद
ठीक दोस्तों, नोट करते हैं हम लोग कि राष्ट्रपति जो कि इस विधेयक का कहाँ प्रयोग करते हैं, तो राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करते हैं जब वह विधेयक जब किसी विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं। ठीक, यदि आपसे कोई पूछ ले कि निलंबनकारी वीटो कहता है, तो निलंबनकारी वीटो वो होता है दोस्तों कि जब संसद द्वारा कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति जो है कि उस विधेयक को पुनः जो है कि सरकार के पास भेजते हैं पुनर्विचार करने के लिए, तो उसी को हम लोग निलंबनकारी वीटो कहते हैं। ठीक, नोट करने वाली बात है कि यदि संसद जो है, या तो संसद जो है उस विधेयक को पुनः किसी संशोधन के बिना या संशोधन करके राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो राष्ट्रपति जो है कि उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होते हैं। ठीक दोस्तों, हालांकि यदि संसद उस विधेयक को पुनः किसी संशोधन के या संशोधन करके राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होते हैं। ठीक दोस्तों, यानी हम लोग बात करते हैं तो इसमें अपवाद दो है। ऐसे दो विधेयक होते हैं जिस पर निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक दोस्तों, जैसे हम अभी आपको बताए हैं कि यदि संसद उस विधेयक को पुनः किसी संशोधन के या बिना संशोधन के राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होते हैं। अगर इसके अपवाद की हम लोग बात करें, इसके दो अपवाद हैं। पहला है धन विधेयक के मामले में, और दूसरा है संविधान संशोधन विधेयक के मामले में। ठीक, अपवाद है इसका, दो अपवाद दोस्तों। पहला है आपका धन विधेयक के मामले में, धन विधेयक मामले में इस वीटो का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा है संविधान संशोधन विधेयक,
संविधान संशोधन विधेयक में भी इस वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। यानी इन दोनों विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होते हैं, इसको जो है कि पुनर्विचार के लिए नहीं भेजते हैं। ठीक दोस्तों, इस प्रकार दो वीटो हुआ। निलंबनकारी वीटो में यही है कि वह जो है कि किसी विधेयक को जब पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं तो उसी को निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। इस वीटो का प्रयोग दो जगह नहीं होता है। ठीक, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निलंबनकारी वीटो का जो प्रयोग होता है साधारण विधेयक पे किया जाता है। ठीक, आइए हम लोग अब बात करते हैं पॉकेट वीटो की। पॉकेट वीटो का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति के पास जब कोई विधेयक जाता है तो उनके पास जो है कि कोई समय सीमा नहीं रहती है कि आप इस इतने दिन के अंदर जो है कि इस पे अपनी सहमति देंगे या नहीं देंगे। तो ऐसे प्रकार इस प्रकार की विधेयक जब राष्ट्रपति जो है कि अपने पास रख लेते हैं, सुरक्षित रख लेते हैं, न किसी प्रकार की प्रक्रिया करते हैं, न सहमति देते हैं, न हस्ताक्षर करते हैं, न पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं, तो ऐसे विधेयक पे जो है कि जब अपने पास रहने देते हैं तो ऐसे विधेयक को पॉकेट वीटो कहते हैं। तीसरा है दोस्तों पॉकेट वीटो, इसको हिंदी में कहा जाता है जेबी वीटो। ठीक दोस्तों, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में आप यही कह सकते हो कि कोई भी विधेयक पर राष्ट्रपति के पास कोई निश्चित समय सीमा नहीं रहती है, इसी का वो फायदा उठाते हैं। ठीक, इसका मतलब होता है कि विधेयक पर राष्ट्रपति कोई सहमति नहीं देते हैं, ठीक, या अस्वीकार करते हैं, या तो अस्वीकृत करते हैं ठीक, और न ही पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं। ठीक, परंतु एक अनिश्चित काल के लिए विधेयक को निलंबित कर देते हैं। ठीक, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पॉकेट वीटो का मतलब होता है कि राष्ट्रपति जो है विधेयक पर किसी प्रकार का निर्णय न देने की शक्ति को पॉकेट वीटो कहा जाता है। ठीक दोस्तों, इसको एक लाइन में हम लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी प्रकार के निर्णय न देने की शक्ति को पॉकेट वीटो कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो पॉकेट वीटो का मतलब ये होता है कि किसी भी विधेयक पर अपनी सहमति नहीं देना या इसको अस्वीकृत नहीं करना, न पुनर्विचार के लिए वापस भेजना, तो और विधेयक को अपने पास पड़े रहने देते हैं, तो ऐसे विधेयक को पॉकेट वीटो कहा जाता है। अब इसका आधार क्या बनता है? तो इसका आधार होता है
इसका आधार ये होता है कि कोई भी विधेयक जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो उसके पास कोई निश्चित समय सीमा नहीं होती है कि इस समय के अंदर आपको इस पर जो भी निर्णय लेना है लीजिए। ठीक, अगर हम लोग बात करें इसके उदाहरण की, तो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे, तो एक अधिनियम था भारतीय डाक अधिनियम। भारतीय डाक अधिनियम के संदर्भ में इस वीटो का प्रयोग जो है कि किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा। ठीक, पॉकेट वीटो दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको कि मतलब वही है कि किसी प्रकार की कोई हाना नहीं करना, न सहमति देना, न उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेजना, ऐसे वीटो को पॉकेट वीटो कहते हैं। और इसका प्रयोग कब किया गया था? इसका प्रयोग जो है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा इसका जो है कि प्रयोग किया गया था। ठीक, यदि कोई पूछ ले कि इस पॉकेट वीटो का आधार क्या होता है, तो आप उसको ये बताइएगा कि जो है कि किस विधेयक पे जो है कि समय सीमा का निर्धारण न होना ही इसका आधार बन सकता है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल के रूप में, तो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा भारतीय डाक अधिनियम के संदर्भ में इस वीटो का प्रयोग किया गया था। ठीक दोस्तों, इस प्रकार राष्ट्रपति की वीटो शक्ति समाप्त होती है। इसके अलावा हम लोग बात करें कि 1971 में 24वां संविधान संशोधन किया गया था। 24वें संविधान संशोधन से पहले जो है कि राष्ट्रपति के पास संविधान संशोधन पे भी जो है कि निलंबनकारी वीटो की शक्ति थी, लेकिन जब 24वां संविधान संशोधन 1971 के बाद यह प्रावधान किया गया कि संविधान संशोधन विधेयक पे राष्ट्रपति के पास निलंबनकारी वीटो शक्ति नहीं है, उसको जो है कि राष्ट्रपति को सहमति देना एकदम अनिवार्य है। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करें राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति। तो स्वविवेक की शक्ति में जो है क्या होता है कि जब लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो या तो प्रधानमंत्री के मान लेते हैं कि कार्यकाल में ही मृत्यु हो जाए, तो उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न मिलने के पर राष्ट्रपति जो है कि किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है और उसको जो है कि समय सीमा दे देगा कि आप इतने समय में अपने बहुमत को सिद्ध करिए। ठीक, ये हो गई ये परिस्थितियाँ। अगर दूसरी परिस्थिति की बात करें, मान लेते हैं कि मंत्रिमंडल जो है कि विघटित हो जाए। ठीक, विघटित मतलब कि या तो राष्ट्रपति उसको विघटित कर दें। यदि विघटन के कई कारण होते हैं, जैसे मान लीजिए कि यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, सॉरी प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, या तो सरकार अपना बहुमत खो देती है, तो इस परिस्थितियों में जो है कि लोकसभा का जो है कि विघटन हो जाता है। ठीक, या तो विधानमंडल में या तो मंत्रिमंडल में जितने भी सदस्य हैं त्याग पत्र दे दें, तो इस प्रकार जो है कि विघटन हो सकता है। तो यानी वही स्वविवेक शक्ति में वही है दोस्तों कि राष्ट्रपति के पास यह शक्ति होती है कि राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो जाती है, या तो मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे देता है, या तो सरकार भंग हो जाती है, तो किसी दूसरे व्यक्ति को जो है कि
सरकार बनाने के लिए जो है कि वो नियुक्त करते हैं और उसको निश्चित समय देते हैं कि आप इतने समय में अपना बहुमत सिद्ध करिए। इसको हम लोग सविवेक शक्ति कहते हैं। ठीक दोस्तों, आज हम लोग राष्ट्रपति की वीटो शक्ति पर बात किए हैं। वीटो शक्ति में हम लोगों ने अत्यांतिक वीटो की बात की है। तो अत्यांतिक वीटो में यही होता है कि राष्ट्रपति जो है कि किसी भी विधेयक को सहमति देते हैं या तो नहीं देते। यदि सहमति दे देते हैं तो कानून बन जाता है, अगर नहीं देते हैं तो वो कानून वहीं से समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था निलंबनकारी वीटो। दोस्तों बहुत कन्फ्यूजन वाला होता है, इसलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि ताकि आज के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो दोस्तों। ठीक, बात करते हैं हम लोग निलंबनकारी वीटो। तो निलंबनकारी वीटो ऐसे विधेयक को कहते हैं किसी विधेयक को जब राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं। ठीक दोस्तों, निलंबनकारी का मतलब होता है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को जब पुनर्विचार के लिए भेजते हैं तो ऐसे विधेयक को निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। ठीक, पॉकेट वीटो का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति जो है कि उसको अपने पास पड़े रहने देते हैं, उस प्रकार का ना निलंबनकारी वीटो ना उसको वापस भेजते हैं पुनर्विचार करने के लिए, ना सहमति देते हैं ना असहमति देते हैं, उसको अपने पास पड़े रहने देते हैं। तो इसलिए इसको पॉकेट वीटो कहते हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। बहुत आसान शब्दों में कोशिश किए हैं कि आपको जो है कि राष्ट्रपति की वीटो शक्ति समझ में आ जाए। ठीक दोस्तों, तो हम आपसे यही कहेंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल को जितना हो सके अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों में शेयर करिए, हमारे सब्सक्राइबर को बढ़ाइए। हम आपके लिए अच्छे से अच्छे क्लास लाएंगे। हम लोग का मोटिवेशन जितना अधिक से अधिक सब्सक्राइबर होंगे उतना ही अच्छा अच्छा हम लोग क्लास लाएंगे, आप लोग के लिए कोर्स चालू करेंगे, वो भी निःशुल्क सेवा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो निस्वार्थ भाव से ज्ञान, यही है द एजुकेशन फैकल्टी की पहचान। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद।